आपका स्वागत है शो क्लिप्स में बस देखते रहो रहो और सीखते कि आपकी हसल को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं कि आप यहां तक पहुंचे हो टोटली सेल्फ मेड टोटली बेस्ड ऑन क्राफ्ट टोटली बेस्ड ऑन इंप्रूवमेंट आई एम 500% हंड्रेड परसेंट श्योर आपने बहुत सारे मुश्किलों का सामना किया और ये मैं ट्रेडिशनल मुश्किलों के बारे में बात नहीं कर रहा ये आराम नगर के स्ट्रगल के बारे में बात नहीं कर रहा मैं जो इंटरनल yeah. मुश्किलें होती है स्पेशली फेम के आने के बाद उनके बारे में बात करूँ उसे बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अब पता चल जाता है कि हुज़ एक्चुअली वर्क द वे थ्रू एक शब्द का इस्तेमाल मैं करना चाहूँगा तो डोंट माइंड बट आपके हसल में ना एक कट्टरता hmm. दिखाई देती है अब यू वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड एंड यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड तो लॉड ऑफ रिस्पेक्ट Thank you भाई। तो यही था आज का पॉडकास्ट दोस्तों <laughs> <laughs> नहीं। एक दूसरे को लगता है कि अरे अब तो सक्सेस हो गई तो बहुत आसान है बट ट्रस्ट मी मुझे पर हर कोई ना अपने लेवल पे हासिल कर रहा है hmm. चाहे वो कितना भी बड़ा हो चाहे वो कितना भी छोटा हो पर हासिल जो है ना ये जाती नहीं है हर कोई कर रहा है और उसका लेवल अलग अलग हो सकता है पर हसल तो है लाइफ में आई आई थिंक अगर हसल नहीं है तो फिर ग्रोथ भी नहीं है तो फिर क्या है वो जो आ, कुछ है नहीं फिर मतलब आप जहाँ हो तो ना वहीं रहोगे क्यों जी रहे हो फिर मतलब आपको लग रहा है कि फिर आप फिर आप काम मत करो ना फिर आपको ये कि फिर आप इसमें मत अपना ध्यान दो अपना टाइम वेस्ट मत करो काम भी ख़राब होगा बिकॉज आपके अंदर वो पैशन ही नहीं बचा है हसल करने का बाई हसल आई डोंट मीन के काम ढूंढने की हसल मतलब उस काम की भी हसल जिस काम में आप हो उसको कैसे बेहतर बनाऊँ उसमें कैसे ग्रो करूँ वो भी एक हसल है hmm. तो तू तो मेरे लिए तो वो हसल आई थिंक जिंदगी भर का एक प्रोसेस है जो रहेगा हमेशा मुंबई के पूरे सफर में प्री फेम के सबसे मुश्किल मोमेंट के बारे में बताइए hmm. और पोस्ट फेम के सबसे मुश्किल मोमेंट के बारे में बताइए प्री फेम का सबसे मुश्किल मोमेंट मुझ् फाइनेंशली था आई थिंक काम ना मिलना ऑफ कोर्स वो तो था ही कि दो साल यही आराम नगर महालक्ष्मी <laughs> टाउन बहुत जगह जहाँ भी लगता था थोड़ा सा आइडिया होता था कि जहाँ पे शायद कुछ ऑडिशन टाइप हो सकता है तो वहाँ पहुँच जाता था मैं अपनी एक शोरील रील ले हाथ में आ, पर एक आ, लेकिन माँ माँ ने बहुत सपोर्ट किया माँ ने बहुत सपोर्ट किया जब भी लगता था कि अरे पैसे नहीं बचे अभी अकाउंट में तो फ़ोन कर देता था मैं तो वो कहीं ना कहीं से कुछ करके भेज देते थे कि पाँच हज़ार रुपया डाल दिए लेकिन एक बार मुझे याद है कि मेरे अकाउंट में आई थिंक कुछ अट्ठारह रुपये बचे थे अट्ठारह हाँ अट्ठारह रुपये बचे थे मेरे अकाउंट में और मुंबई जैसे शहर में तो मुझे लगता अब अब क्या होगा यार क्योंकि मैं वैसे भी बहुत बचा के चलता था मैं हम तीन लोग एक छोटे से फ्लैट में रहते थे मैं अपना लंच स्किप करता था मैं एक चार रुपये का पार्ले जी लेता था उस टाइम को पता नहीं था कि डाइटिंग वाइटिंग क्या होती है तो कुछ समझ नहीं आइडिया नहीं था कि पार्ले जी डेली नहीं खाना चाहिए और छोटा सा या तो मैं कोई कोक या फ्रूटी का एक छोटा वाला बॉटल लेता था वो मेरा लंच होता था तो मेरा कुछ ऐसा बारह रुपये में लंच हो जाता था लेकिन फिर अट्ठारह रुपये बचे थे एक दिन शाम को मैंने कहा आप क्या करेंगे तो लकड़ी में फिल्म इंस्टीट्यूट से हूँ एफ टी आई से तो हमारी कम्यूनिटी है काफ़ी सब बहुत बैचेज़ हैं हमारे सीनियर जूनियर तो आप किसी को फ़ोन कर सकते हैं कि यार क्या कर रहे हो डिनर हो गया बन गया तुम्हारे घर मैं आ जाऊँ क्या तो वो वो दिन मुझे याद है कि जब सिर्फ अट्ठारह रुपये थे, थे अकाउंट में और ऐसा था कि अब आज का डिनर और कल का ब्रेकफास्ट कैसे होगा किसके घर जाते था बहुत सारे है, मेरे क्लासमेट्स हैं बहुत सारे हम लोग हैं आसपास ही सब लोग यहाँ यहीं रहते थे यारी रोड पर तो दिस इज प्री फेम दिस इज़ प्री फेम आ, हेल्थ पर असर पड़ा हेल्थ पर असर नहीं पड़ा मैं आ, मुझे अच्छा लगता था ऑफकोर्स वर्कआउट करना तो मैं वर्कआउट तब भी करता था पर कुछ गाइडेंस नहीं थी ट्रेनर की औकात नहीं थी कि ट्रेनर अगले उसके पैसे <laughs> नहीं थे तो जो भी समझ में आता था कि हाँ बचपन से थोड़ा जो देखा था गुड़गांव में कि भैया वगैरह जिम में क्या करते हैं तो वही करता रहता था मुझे लगता था कुछ करना है घर पे नहीं बैठना है सिर्फ या तो फिर जिम किया सुबह सुबह या रनिंग कर ली आ, उसके बाद कुछ पढ़ाई की फिर ऑडिशन दिए पूरा दिन ऑडिशन नहीं है तो मीटिंग एटलीस्ट की जितने लोगों को मिल सकते हैं फिर शाम को घर पहुँच के फिर अपनी एक्टिंग पर काम किया हर दिन ऑलमोस्ट हर दिन अपने आर्ट फॉर्म पर काम किया और उससे बहुत खुशी मिलती थी वो जो दिन का दो घंटा मैं अपने काम को देता था ना बिकॉज़ आपको हर दिन एक्टिंग करने को नहीं मिलती है उस दौरान लेकिन जब वो दो घंटा अपने काम को देते हैं लगता है कि आज कुछ किया इट वॉज बर्थ इट कि आपने जिस चीज़ को आप इतना प्यार करते हो वो किया फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बोलूँ आप एक महीना पॉडकास्ट नहीं करो यूल मिस इट राइट ऐसा होगा कि नहीं यार करना है दिस इज माई वर्क आई लव इट तो वो दो घंटा डेढ़ घंटा जो भी था वो डेली एक दिया हुआ था उसके बाद वही फिर दोस्त बैठ के आज अच्छा तूने क्या किया कहाँ क्या, क्या क्या था किधर चल रहा है ऑडिशन ये सब डैट वॉज द फेज बट वॉज आई इन्जॉयड इट आई थॉरली एंजॉयड मैं मानता हूँ कि बहुत अलग अलग टाइप के मेहनत होते हैं ठीक है और इस पूरे स्पेक्ट्रम में से दो सबसे ज़रूरी टाइप की मेहनत पहली होती है वो जो आपने पहले कहा कि आ, एक ऐसा प्रोजेक्ट एक ऐसा क्राफ्ट एक ऐसा आर्ट फॉर्म जहाँ आपको बहुत मज़ा आ रहा हो जहाँ करते हुए भी मज़ा आ रहा हो इवन दो यू आर वेरी टायर्ड डूइंग इट फिर भी मज़ा आ रहा है वो बहुत ज़रूरी टाइप की मेहनत होती है क्योंकि दैट लीड्स टू तो सक्सेस ऑफिन

Uh, बल्कि एक्चुअली मेरी जो आई वुड से मेहनत की शुरुआत है ना वो क्लास ट्वेल्थ के बाद ही शुरू हुई थी मैं गुड़गांव से जब मैंने ट्वेल्थ uh, के बाद मैंने श्रीराम राम सेंटर एक परफॉर्मिंग पर्फौर्म, आर्ट्स मंडी हाउस में एक एक्टिंग स्कूल है वहाँ अप्लाई किया था वहाँ मेरा हो गया था uh, बच्चा ही था मैं ऑफकोर्स अट्ठारह साल का तो फिर कॉलेज में uh, था कि कॉलेज में एडमिशन लेना है क्योंकि ग्रेजुएशन करनी है ऑफकोर्स तो मैंने आत्माराम कॉलेज में पढ़ाई की तो उन्होंने बोला मुझे बस मुझे किसने बोला बस पास बन जाएगा आपका अगर आप कॉलेज में चले जाओगे तो बस का खर्चा बच जाता है अच्छा वो काफ़ी बाद में पता चला है सर अच्छा क्योंकि उससे पहले साइकिल पे भी मैं जाता था और मेरे पास वॉकमैन था उसमें मैं बहुत फिल्मी बात है बट लक्ष्य तो हर हाल में पाना है चांद तारे तोड़ लाऊँ पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा ऐसे कुछ दस बारह महीने उस टाइम हम रिकॉर्ड कर सकते थे ना कैसेट पर तो वो मैं लगा के और साइकिल पर जाता था सेवनटी किलोमीटर्स अप एंड डाउन और बहुत मज़ा आता था बहुत मज़ा आता था तो फिर किसी ने कहा बस पास बन जाता है कॉलेज में चले जाओ तो मैं गया कॉलेज का मैंने ई कोटा में अप्लाई किया तो उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए सर सर जो भी मिल जाए <laughs> तो उन्होंने बोला हिस्ट्री ऑनर्स आई सेड ओके आर्ट्स आई सेड ओके तो मैंने फिर आर्ट्स में ले लिया बस पास के चक्कर में और लकीली जिस कॉलेज में मैं गया आत्माराम में उसी साल वहाँ पर थिएटर शुरू हो गया तो मैं कॉलेज में थिएटर करता था दिन भर फिर मैं शाम को बस पकड़ के मंडी हाउस जाता था वहाँ थिएटर करता था तो ये तीन साल ये दौर चला फिर एफ में अप्लाई किया फिर वहाँ हुआ तो आई थिंक इट वाज गॉड्स प्लान इट वाज ऑलवेज़ ऊपर वाले का ये हमेशा से ये प्लान था कि इसको इसी लाइन में जाना है इसको इसको यही करना है है लाइफ में इसलिए धरती पे भेजा है मैंने कि 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 तू एक्टर बनेगा भगवान 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 भी चाहते भगवान भी चाहते चाहते एक कोई कोई तो 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 संकी बने जो <laughs> <LSD> करे, <laughs> जो करे करे <laughs> तो ऐसा निकले तो उन्होंने मुझे वो, भगवान मुझे वो गाइड करते रहे की माया थी मतलब आप एक और अभी भी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ है ऊपर वाले का है, मैं हूं, मैं हूं। मैं मानता 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 और हमेशा रहता किसी भी रूम में जाओ वो हाथ रहता मैं है मतलब मैंने महसूस किया मैंने देखा है कई बार मेरी जिंदगी में मैंने महसूस किया कि कई बार कहीं मैं कुछ फंस गया हूँ और कुछ नहीं हो रहा है बचपन से कि यार ये कैसे होगा प्लीज़ भगवान कुछ करा दो आ, और कुछ हो जाता था चमत्कार थलिख है कुछ तो है।, है।, है मुझे कोई लेके चल रहा है साथ में दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर चैनल को एक्सप्लोर करो देखते जाओ और सीखते जाओ